नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई एक क्लासिकल कॉमेडी है और इसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस भी कहते हैं। ये 1598 में पब्लिश होती है और इसमें बेन जॉनसन ने हर किसी का मजाक बनाया है और बल्कि शहर के मजाक को ही मजाक बना दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के मेन करेक्टर्स कौन कौन से हैं। मेन करेक्टर्स हैं इसके नोबेल, एन ओल्ड जेंटलमैन एडवर्ड नोबेल, हिज सन ब्रेन वोन, द फादर्स मैन मास्टर स्टीफन, कंट्री गर्ल जॉर्ज डॉनरेट, अ प्लेन स्क्वायर, वेल ब्रेड हिज हाफ ब्रदर, काइटली अ मर्चेंट दे ब्रदर इन लॉ, थॉमस कैस हिज कैशियर, कैप्टन बॉबडिल अ पॉल्समैन, मास्टर मैथो अ टाउन गर्ल, ओलिवर कॉम अ वाटर फेयर, जस्टिस क्लिमन एंड ओल्ड मैरी मजिस्ट्रेट, रोजर फॉर्मन हिज क्लर्क, डेम कैटली कैटलीज वाइफ, मिस्टर्स ब्रिजेट हिज सिस्टर, टिम ये कॉप्स वाइफ। दोस्तों, देखते हैं हम स्टोरी एवरी मैन इन ह्यूमर। ये स्टोरी जो है वो 5 अंकों में डिवाइड है और आज हम आप लोगों को इसका एक अंक बताएंगे। तो देखते हैं हम इसकी स्टोरी है इसका सीन फर्स्ट, ये लंदन में है, मतलब इसकी शुरू जो होती है वो लंदन से शुरू होती है, लंदन शहर से। एक बूढ़ा जो एडवरी नोबेल है वो अपने नौकर ब्रेनबोम से कहता है कि वो अपने युवा स्वामी एडवर्ड नोबेल को बुला दे, और ब्रेनबोम के चले जाने के बाद बूढ़ा नोबेल जो है वो थोड़ा सा पेंसिव मूड में है, वो दुखी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वह अपने मतलब बेटे के लिए ही, जो कि ये एडवर्ड नोबेल है, उसी के लिए चिंतित है, जो ऐसा लगता है कि वो मतलब बुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन फिर वह स्टीफन नाम के एक ग्रामीण बौड़म, मतलब वो बुद्धू है एक प्रकार से, उसके आने से वो बाधित हो जाता है। जो युवा नोबेल की तलाश में आता है वह उसे आखेट करने के लिए, मतलब कि जैसे बाजों का शिकार करना, उस पर एक किताब लेने आया है उससे। बूढ़ा नोबेल थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है और उससे कहता है कि वह अपना समय और पैसा इस बाजबाजी जैसे तुच्छ विषयों पर ना खर्च करे, और वो ये भी कहता है कि उसे अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये बातें हो ही रही थी दोनों के बीच में, तभी उसी समय एक नौकर जो है एक लेटर लेके आता है। स्टीफन अपने आप को नौकर के साथ झगड़ा करने में लगा लेता है, दोनों लोग झगड़ा करने लगते हैं और जो बूढ़ा नोबेल है उस बॉडम से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है और नौकर से पत्र को ले लेता है। वह देखता है कि पत्र किसी श्रीयुत वेलब्रेड की ओर से आया है और उसको उसके पुत्र को संबोधित है, मतलब उसी के लिए आया है। बूढ़ा नोबेल पत्र को खोलता है और जान जाता है कि वेलब्रेड ने उसके पुत्र को किसी समागम या संगोष्ठी के लिए इन्वाइट किया है, और वो ये भी देखता है कि बेलब्रेड ने उसके बूढ़े पिता को बूढ़े नोबेल के लिए अनादरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। इससे जो है बूढ़े नोबेल को बहुत ज़्यादा मतलब चोट लग पहुंचती है, वो दुखी होता है क्योंकि वह अपने मतलब पुत्र के मित्रों के संबंध में उसके विचार जो थे वो बहुत ही अच्छे और ऊँचे थे। वह पत्र ब्रेन वॉर्म को दे देता है और उससे कहता है कि वह मतलब उसके बेटे जो युवा नोबेल है एडवर्ड नोबेल, उसको ये बता दे कि उसका ये पत्र जो है उसके पिता एडवर्ड नोबेल ने पढ़ लिया है। बूढ़ा फिर मन ही मन सोचने लगता है कि उसे चाहिए कि वो अपने पुत्र को अपनी पसंद की राह पर चलने दे, वो उसे रोकेगा नहीं क्योंकि उसे डर है कि बेलगाम की तीव्र वासना को अगर अवरुद्ध किया जाए तो वो और भी अधिक अधीर हो जाती है। इस तरह से वो अपने बेटी के लिए बहुत ही चिंतित रहता है।
दोस्तों सीन फर्स्ट हमने देख लिया, अब चलते हैं हम सीन सेकंड की ओर। सीन सेकंड में होता है कि ब्रेन बोन वो लेटर जो लिया रहता है वो युवा नोवेल को दे देता है। ब्रेन वॉर्म अपने युवा स्वामी को बताता है कि ये पत्र जो है उसके पिता ने पहले ही खोलकर पढ़ लिया है, उनके द्वारा खोल लिया गया है। और शीघ्र ही स्टीफन उस नौकर की तलाश करता है जिसने उसका अपमान किया है। ब्रेन वॉर्म उससे बताता है कि वो नौकर जो है वो घोड़े पर चढ़कर जा चुका है, फिर भी वो स्टीफन से कहता है कि वो शांत रहे। इसी बीच युवा नोवेल पत्र पढ़ते समय मतलब खूब ज़ोर से हंसता है और स्टीफन को लगता है कि वो उसको देखकर या उसके ऊपर हंस रहा है, लेकिन फिर जल्दी ही उसे विश्वास हो जाता है कि वास्तव में एडवर्ड जो है वो पत्र को पढ़ते हुए उसका आनंद लेकर हंस रहा है, ना कि मेरे ऊपर। जब एडवर्ड का ध्यान स्टीफन की ओर जाता है तो वो स्टीफन से कहता है कि वो भी उसके साथ उस संगोष्ठी में या समागम में शामिल हो, और स्टीफन इसके लिए सहमत हो जाता है। युवा नोवेल यह सोचकर खुश होता है कि वह उस शाम स्टीफन जैसे बुद्धू के मथे डालकर हंसी खुशी और मज़ा उठाएगा। इस प्रकार से ये सीन टू भी समाप्त होता है। देखते हैं हम सीन थर्ड। सीन थर्ड, ये श्रीयुत मैथ्यू एक दूसरा शहरी बुद्धू है जो कि कॉब नाम के एक मतलब सक्का जो कि पानी लाने वाला ले जाने वाला है उसके घर के सामने आता है। कॉब उसका अभिवादन करता है और उसे अपनी वंशावली बताने लगता है, और वो ये दावा करता है कि उसके जो पूर्वज हैरिंग थे मछलियों के राजा के उधर से आए थे। कुछ देर बाद मैथ्यू कॉब से पूछता है कि क्या वह उसे कप्तान बॉबडिल का निवास दिखा सकता है। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि कप्तान बॉबडिल जो है वो कॉब का मेहमान है। कॉब उसे बताता है कि जो कैप्टन बॉबडिल है वो मेरे घर पे ठहरा हुआ है। यह सुनकर उसको मैथ्यू को बड़ा ही आश्चर्य होता है। पहले तो मैथ्यू विश्वास ही नहीं करता है और सोचता है कि बॉबडिल कॉब के जैसे मकान का तिरस्कार करेगा, उस पर थूकेगा भी नहीं, रहने की तो बात ही अलग है। लेकिन जब कॉब जोर देकर कहता है कि कप्तान सचमुच उसका मेहमान है और वह अपनी बेंच पर अपने सिर के नीचे दो तकिया लगाकर लेटा हुआ है और उसका अंगरखा जो है वो उसकी देह पर लिपटा हुआ है, और इसके बाद कॉब अपनी पत्नी टिप से कहता है कि वह मैथ्यू को कप्तान जो है कैप्टन बॉबडिल के पास ले जाए। अकेला रह जाने पर कॉब सिर्फ मैथ्यू और उसके बाप के बारे में बोलता है और कहता है कि उसका पिता एक ईमानदार पूजा पाठ वाला मछली विक्रेता है। कॉब ने मैथ्यू को स्यूत काटली जो कि एक मर्चेंट है के मकान में देखा है जहाँ पे वह मतलब कॉब जो है वो पानी पहुँचाता है। मैथ्यू काटली की बहन श्रीमती ब्रिजिट को प्रेम करता है। मैथ्यू घर में महिलाओं को मतलब पोएम्स पढ़कर सुनाया करता है। तब फिर कॉब को अपने मेहमान बॉबडिल का स्मरण आता है जो कि मतलब उसकी आदत है कि वह कस्में खाया करता है और बड़ी विचित्र ही कस्में खाता रहता है। तो इस प्रकार से सीन थर्ड जो है इसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि मैथ्यू जो है वो उसके घर पर आता है कॉब के, और जो कैप्टन बॉबडिल है उसे मिलना चाहता है, और कैप्टन बॉबडिल जो है वो कॉब के घर पर ठहरा हुआ है जिसकी की आदत है कि वो ऐसे ही कस्में खाया करता है और उसकी कस्में भी जो है वो बड़ी विचित्र रहती हैं। इस तरह से सीन थर्ड का अंत होता है। दोस्तों देखते हैं हम सीन फोर्थ। सीन फोर्थ, कैप्टन बॉबडिल को जो कॉब के मकान में एक बेंच पर लेटा है उसे टिप के द्वारा सूचित किया जाता है। टिप जो कि कॉब की वाइफ है उसके द्वारा ये सूचित किया जाता है कि एक सज्जन उसको पूछ रहे हैं। वो मतलब बॉबडिल उस टिप को निर्देश देता है कि वो कह दे कि बॉबडिल घर पर नहीं है, लेकिन कॉब ने पहले ही बॉबडिल की उपस्थिति की बात कह दी है, अतः जो ये मैथ्यू आ जाता है, मतलब मैथ्यू ही कैप्टन बॉबडिल को पूछ रहा था, और दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन फिर जो है कैप्टन बॉबडिल जो है वो मैथ्यू से निवेदन करता है कि वह किसी को भी उसके मतलब बॉबडिल जहाँ पे रुका है उसके आवास निवास के विषय में किसी को ना बताए। मैथ्यू जो है वो इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वे किड थॉमस कीट की स्पेनिश ट्रेजडी के संबंध में बात करने लगते हैं।
जिसको कि मैथू अपने साथ लाया है, उस बुक को, स्पेनिश स्टडी की बुक को मैथू अपने साथ लेके आया है। पुस्तक के संबंध में थोड़ी देर चर्चा के बाद मैथू नवीनतम मतलब कि जो फैशन पर बोलता है, जो लेटेस्ट फैशन है उसके बारे में उस बातचीत करता है। वो ये भी कहता है कि उसकी ज़मींदार डाउन रेट के साथ हैंगर को लेकर झगड़ा हुआ था हो गया है और उसने मतलब डाउन रेट मैथू को लाठी से पीटने की धमकी दिया है। बॉबडेल भी डाउन रेट के संबंध में तिरस्कारपूर्ण शब्दों को बोलता है और वो मैथू से कहता है कि वो तलवार से लड़ने के कुछ दांवपेच भी सीख लें, लेकिन मैथ्यू इन दांवपेच को सीखने में असमर्थ है। अतः बॉबडेल उसे सुझाव देता है कि उन्हें किसी सराय में जाना चाहिए और वहां किसी अनुभवी तलवारबाजों से परिचित हो जाना चाहिए ताकि डाउन राइट को एक अच्छा सबक सिखा दिया जाए। डाउन राइट जो कि मतलब एक ज़मींदार है, उनकी दोनों की बहस हो जाती है मतलब मैथ्यू और डाउन राइट की। तो ये लोग सोचते हैं या तो हम खुद ही मतलब ये मैथू को खुद ही सिखाया जाए ये तलवारबाजी, या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति से हमारा परिचय हो जाए जो कि तलवारबाजी जानता हो। तो इस प्रकार से इस फोर्थ सीन का भी अंत होता है और ये यहाँ पे ये पहला एक्ट जो है वो समाप्त होता है।